तो पहले पार्ट में हम लोगों ने फुटसेरे की खूबसूरती को देखा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट लिंक या फिर आई वाले बटन में आपको क्लिक करने से वो मिल जाएगा उसके बारे में, और आप देख सकते हैं फुटसेरे की खूबसूरती को। सो इस वाले वीडियो में हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे उस खूबसूरती को फुटसेरे का। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर ब्लॉग ऑफ फुटसेरे सीरीज। इसमें योगेश मगर आपका होस्ट और आपका दोस्त, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फुटसेरो तो पहला दिन तो बीत गया जो कि था शनिवार, उसके अगले दिन था रविवार यानी कि संडे। जैसा कि मैंने बताया फुटसेरो में मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, तो हम भी संडे में विजिट किए चर्च फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइस देखिए ब्यूटी ऑफ फुटसेरो नागालैंड। और चर्च में आने का रास्ता कुछ इस प्रकार है। और दोस्तों अंदर ही घुसते जो वाइब मिली ना काफी औसम थी। और मैं सब रिलीजन को रेस्पेक्ट करता हूँ, सो आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे भी काफी मैं कनेक्ट कर पा रहा था और काफी बढ़िया लग रहा था। और इन खिड़कियों के बाहर से भी काफी बढ़िया नजारा दिख रहा था। तो चर्च के बाद थोड़ा टाइम रूम में ही बिताया, उसके बाद लंच करके हम लोग निकले और एक्सप्लोर करने को फुटसेरो की खूबसूरती को। सो क्यूट। तो ऐसे होते हैं गाइस यहाँ के लोकल टैक्सी, और वो जो सुमो था वो था रीजनल टैक्सी। तो हम लोग जा रहे हैं फार्म गाइस दीदी भैया लोग के साथ, और घूम रहे हैं थोड़ा और यहाँ का भी फार्म देख ले एक बार। और कुछ आधा घंटा चलने के बाद अपन लोग पहुंच गए थे फार्म, जहाँ पे इधर था खेती, इधर कुछ बगान और बहुत सारे जानवर दोस्त। और इन्हीं दोस्तों के बीच मिला ये एक नन्ना मुन्ना नटखट सा दोस्त।
काला पत्थर पूरा काला पत्थर। तो हम लोग वो रोड से गए थे इससे, तो वहीं से ऐसा घूर के आए। बाप रे, अभी याद है पत्थर। दिस इज द रियल व्यू। वो प्रो मोड से था जिसमें सिचुएशन सब बढ़ जाते हैं। और सनसेट, माय गॉड, सन